मुर्दे भी होने लगे गायब। जी हाँ, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपना परिवार से मृत्यु होने के बाद उस कब्रस्तान पर शव को दफन कर दिया था। असामाजिक तत्वों द्वारा कब्र को खोदकर शव को गायब किए जाने की घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जी हाँ, मामला है कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र चौनी पंचायत के कोल्हा ग्राम के कब्रिस्तान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 3 कब्र को कुदाल से खोदकर कब्र में रखे शव को छत विछत कर दिए जाने की मामला सामने आया है, जो इस बात को लेकर दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। सुबह जैसे ही मोहम्मद दिल नवाज नमक व्यक्ति मौलाना अपनी मां के कब्र पर फतिया कुरान पाक की तिलाव पढ़ने पहुंचे तो देखा कि कुछ कदम पर कब्र की स्थिति देखकर भौचक रह गए। उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दिया। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीण कब्रिस्तान पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए। घटना को देखकर ग्रामीण काफी आक्रोशित होने लगे। ग्रामीणों ने घटना की सूचना कदवा पुलिस को दी। सरपंच पति मोहम्मद खैरुद्दीन, मोहम्मद खालिक, पूर्व उप मुखिया मोहम्मद नियाज ने घटना की निंदा करते हुए कदवा पुलिस से घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग किया है। वहीं ग्रामीण द्वारा 5-6 अज्ञात के विरुद्ध थाना में लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 60 वर्षीय मोहम्मद जलमुद्दीन के शव को आधा काट लिया गया है। एक नवजात का शव गायब है, वहीं 2 वर्षीय बच्ची का शव को छत विछत कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा देर सांध्य कब्र पर पुनः मिट्टी देकर बंद कर दिया गया है। अब आगे देखना यह होगा कि इस घटना में शामिल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कब तक और क्या कार्रवाई होती है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। ये गांव कोला है, चौनी पंचायत में पड़ता है। क्या मामला है, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा है। मामला ये है कि जो रात गुजरी है उसमें 3 कब्रों से मुर्दे निकालने की खबर है, जो हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, देखे भी। एक उसमें से एजेंट है जो 6-4 महीना पहले दफन किया गया था, एक साल पहले छोटी बच्ची है, एक 3 महीना पहले छोटा बच्चा है। इन तीनों कब्रों को खोद के उससे मुर्दे को निकाला गया है। अब उसके कुछ पार्ट से निकले हैं, कुछ कटा गया है, कुदाल जो होता है फौरा जिससे मिट्टी हटाते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। इंसान आदमी होके ऐसा किया है, इंसानियत को तार तार किया है, उसके पंजे के निशान भी मौजूद है। हाँ, ये सब दुख भरी खबर है। हमारे कब्रिस्तान कोल्हा के कब्रिस्तान में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, ना हम लोग देखे थे ना सुने थे, हमारे पूर्वज भी नहीं इस तरह सुने थे ना देखे थे। आज के डेट में, आज की तारीख में ऐसा देखने को मिला है। ये बहुत दुखद भरी खबर है, बहुत परेशानी। कैसे मालूम चला कि यहाँ कब्रिस्तान में कुछ हुआ है? हाँ, बीते दिन जो नई कब्रें आप सामने देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कीजिए, तो ये मेरी माँ की कब्र है। हम लोग कल दफना के सामने चले गए, सुबह हम फातिहा के लिए, फजर की नमाज के बाद फातिहा के लिए यहाँ माँ की कब्र के पास आए, तो मुझसे पहले मेरे 2 भाई आए थे, वो भी फातिहा पढ़े, उसके पीछे मैं भी आया, तो उन्होंने देखा कि जो घेराव है उसका एक तरफ का जो उसका ब्रंथी होता है यानी बांस का जो ये दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और कुछ मिट्टी कब्रे से इधर कुछ दाएं बाएं मिट्टी हटी हुई है। और जैसे ही करीब जाके देखा गया तो वाकई में कब्रे खुली है, यानी उसके साथ गलत कब्र के साथ गलत हुआ है और उससे मुर्दे को निकाला गया है, इस तरह मैं देखा। और इसके बाद फिर जब छानबीन हुआ और इधर उधर देखा गया तो एक बाजू वाले कब्रे में उसमें भी वही हाल है, उसके बाजू वाले कब्रे में उसमें भी वही हाल है, उसको बाजाबता तौर पर खोला गया है, उससे फिर निकाला भी गया है और उसको फिर सही भी कर दिया गया है। तो यही सब रात भर में होता रहा होगा, सुबह की ये खबर हम लोग जो देखे। ये घटना में मतलब कि आपके अंदाज से कितने लोग शामिल हो? हजारों की संख्या में लोग। हाँ, घटना में, हाँ, 2-4-5 आदमी से कम की बात नहीं है, सिंगल ऐसा, इसलिए कि जिंदगी से हटके मौत, मौत के बाद भी और क्या दर्दनाक मामला हो सकता है, उसके मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं इंसान, इंसान होकर इंसानियत को तार तार कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है। हम भी इंसान हैं, वो भी करने वाला भी इंसान रहा होगा, जो गुजर गए वो भी इंसान रहा होगा, इंसान ही इंसान को ऐसा कर रहा है, तो यहाँ एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है।
कब्रिस्तान में इस तरह की सिंगल आदमी कनेक्ट की बात नहीं है। अब इसके साथ क्या मामला है, कम से कम कितने लोग शामिल होने की संभावना, फिर भी दो चार से कम नहीं होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? ये जो हुआ है घटना, ये बहुत दुख भरी घटना है, बहुत दर्दनाक मसला है। जिंदगी में हम आपके साथ बस सलूकी कर लें, माफी तलाफी हो जाए, इस तरह की अलग बात है, मगर जिंदगी से हट के मौत के मामलात में आके कब्रिस्तान सुरक्षित की जगह, चाहे शमशान घाट हो चाहे मुस्लिम का कब्रिस्तान हो, उसमें डाल दिया जाता है सुरक्षित के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, इसके साथ जैसा अमल किया है वैसा करेगा, मगर इंसान होकर ऐसा अमल कर रहा है जबकि उसका अभी 4 महीना डेट किए हुए नहीं हुआ है, तो ये बहुत दुख भरी खबर है। हम मांग यही है कि इस मामले में क्या मैटर है, मामला है क्या, ठीक है, इसमें सुधार आए। स्टॉप कीजिए, स्टॉप बंद कर, ये बोल को नहीं बाधा में। अभी के लिए इतना ही, खबरों में बने रहिए, ऐसी छोटी बड़ी खबर अब तक लाते रहूंगा। धन्यवाद।